सो फाइनली दोस्तों सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3। ओह भाई साहब, गाइस आपको बता दूं कि जहां पर सिंघम अगेन का ट्रेलर 3 अक्टूबर को आना है, कहा जा रहा है दोस्तों भूल भुलैया 3 के फिल्म मेकर भी कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर को ही ट्रेलर लेकर आएंगे। यानी कि दोस्तों एक ही दिन में दो बड़े धमाके, यानी कि ये फिल्म 1 नवंबर को क्लैश तो हो रही है, लेकिन दोस्तों 3 अक्टूबर को शायद भूल भुलैया 3 का ट्रेलर भी आने वाला है। जो कि एक दिन में अगर दो ट्रेलर आ जाते हैं तो भाई बवाल मच जाएगा। गाइस ट्रेलर को लेकर अपडेट आई है, भूल भुलैया 3 के सॉन्ग कब आने वाले हैं, कब कब आएंगे, एंड दोस्तों सिंघम अगेन का जी दोस्तों ट्रेलर से पहले एक और धमाका जो होने वाला है वो कब कब होगा दोस्तों, सारी खबर लेकर आया हूं। और ये क्या दोस्तों, ये छपरी लोग जो है भाई साहब जो नफरत कर रहे हैं अजय देवगन से कि भाई साहब 50,000 तो घिस पीट के चल रही है बुक माई शो पे इंटरेस्ट। गाइस बुक माई शो पे बवाल मचा दिया भूल भुलैया 3 ने। मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब से बुक माई शो पे भूल भुलैया 3 गजब का इंटरेस्ट चल रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस पे भी ऐसे चमत्कार हो गए तो भाई सिंघम अगेन तो फ्लॉप ना हो जाए। वेल दोस्तों पूरी वीडियो को देखना, बहुत बड़ी खबर लेके आओ। लाइक कमेंट करना अपने भाई रवि चौधरी, प्यार देना चैनल पे, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यार करने के लिए। मैं देख रहा हूँ अजय देवगन फैंस, सनी देओल फैंस, तमाम फैंस लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे, लाइक कमेंट भर भर के कर रहे हो। ऐसी प्यार बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए दोस्तों। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि सिंघम अगेन का दोस्तों नो डाउट ट्रेलर आने वाला है 3 अक्टूबर को, और ये ट्रेलर बड़ा धांसू ट्रेलर है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूं कि इस ट्रेलर के अंदर ना ऐसे आग वाला ट्रेलर है, ऐसा रू मतलब रू बाबा ना रू बाबा वो भस्म हो जाएगा, ऐसा ट्रेलर आने वाला है कि भाई साहब रू बाबा बोलेगा भैया मैं तो जा रहा हूँ, भैया माफ़ कर दो हमारे बस की बात नहीं है, हमने तो टीज़र निकाल के बहुत ही ज़्यादा चूतियापा कर दिया, एंड ट्रेलर भी कहीं ऐसा ना आ जाए तो गाइज ये फिल्म क्लैश से पहले ही विजेता बन जाएगी ऑफ कोर्स सिंघम अगेन। गाइज बुक माई शो पे तो पता नहीं क्या ही हो गया है, 50,500 हुआ है बड़ी मुश्किल से सिंघम अगेन का, लेकिन मेरे भाइयों भूल भुलैया 3 104,000 क्रॉस कर चुकी है, एंड जिस तेज़ी गति से हर दिन 10,000-15,000 बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है गाइज ये लास्ट मोमेंट पे तो कम से कम 20-25,000 भी एक दिन में बढ़ने लग जाएंगे, तो भाई कम से कम 5,00,000 क्रॉस करेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि सिंगल स्क्रीन पर भूल भुलैया 3 का कब्जा नहीं है बिल्कुल भी, ना ही मल्टीप्लेक्सेस में भूल भुलैया 3 के इतने शोज मिले हैं, यहाँ सिंघम अगेन ने बाजी मार ली है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दोस्तों वो बता दूँ। देखो दोस्तों ट्रेलर 3 अक्टूबर को आ रहा है, लेकिन रोहित शेट्टी एंड फिल्म मेकर प्लानिंग कर रहे हैं 1 अक्टूबर को एक धांसू पोस्टर आएगा दोस्तों, जो ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें सिंघम अगेन के ट्रेलर कब आना है उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, एंड 1 तारीख को कुछ बड़ा आएगा दोस्तों, कुछ ऑफिशियली मोशन पोस्टर एंड काइंड ऑफ एक वीडियो छोटा सा टीजर आने को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों भूल भुलैया 3 का जो ट्रेलर है वो बार बार कई सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि अगले वीक में आना तय है, नेक्स्ट वीक में आना तय है, हालांकि डेट कंफर्म नहीं हुई है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि दोस्तों 3 अक्टूबर के आसपास ही भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आएगा। और ये जो ट्रेलर है इसके अंदर आपको हॉरर कॉमेडी एंड इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको ड्रामा थ्रिल्स देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों, मैं टचवुड की ये आशा करता हूँ कि जैसा टट्टी जैसा टीजर आया दोस्तों भूल भुलैया 3 का, वैसा टीजर ना, बहुत ही बेहुदा वाहिया टीजर लगा, एंड क्योंकि ये भूल भुलैया 3 अपने आप में एक बिग फ्रेंचाइजी है दोस्तों, और इस बिग फ्रेंचाइजी को संभालना कार्तिक आर्यन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि टीजर में नहीं दिखा हमें। नाउ दोस्तों वी कैन एक्सपेक्ट ट्रेलर, गुड ट्रेलर, एक फाड़ू ट्रेलर जो सिंघम को टक्कर दे, लेकिन दोस्तों भूल भुलैया 3 में वो बात नजर नहीं आ रही है। अब ट्रेलर दोस्तों कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर को दोनों ही ट्रेलर आएंगे, अगर ऐसा हो गया भाई तब तो भाई बवाल मच जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा किसका हाइप ज़्यादा है, लिख के ले लो और उसी दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस और फिल्म का क्लैश पता चल जाएगा कौन बाजी मारेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा चांसेस है कि शायद 3 तारीख के 1 या 2 दिन बाद भूल भुलैया 3 के मेकर ग्रैंड ट्रेलर निकालने वाले हैं, और उस ग्रैंड ट्रेलर में आई होप भाई विद्या बालन को मत दिखाना प्लीज़ यार, विद्या बालन दिखा दोगे ना भाई, सच बता रहा हूँ उसकी शक्ल देखने के बाद ही फिल्म का मूड खराब हो गया, देखने का मन नहीं किया। 2007 में जहां विद्या बालन को देखते थे तो यार मजा आता था, अब देखते हैं ना भाई साहब तो ऐसा लगता है सजा मिल रही है, तो गाइस प्लीज विद्या बालन को मत दिखाना, क्योंकि विद्या बालन दिख गई तो कॉमेडी अपने आप निकल जाएगी, अगर मैं हंसना भी ना चाहूं तो हंसी आ जाएगी। कोशिश करना दोस्तों फिल्म मेकर, आई वुड रिक्वेस्ट कि भूल भुलैया 3 का जो इस बार का ट्रेलर हो बहुत ही फाड़ू हो, स्टोरी प्लॉट अच्छा दिखे, एंड हॉरर और स्केर्ड हो यार, कॉमेडी मत दिखा देना, कम से कम एक स्केरिटी दिखाना, डर लगे ट्रेलर को देखने के बाद, कुछ ऐसा दिखाना। एंड दोस्तों
उसमें हो सके तो कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव, तृप्ति डिमरी और अक्षय कुमार कैमरे भी दिखा दो यार, ताकि हाई बन जाए, क्योंकि वैसे भी आपका भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है लोगों से कि बढ़िया आएगा, और ऐसे में इन्होंने हक दिया। तो भाई साहब सिंघम अगेन को जो शोज कम से कम मल्टीप्लेक्सेज में 60% सिक्योर हुए, मल्टीप्लेक्सेज में 80% सिक्योर हो जाएगा एंड सिंगल थिएटर के अंदर 100% सिक्योर हो जाएगा। लो जी घंटा भूल भुलैया 3 कर लो जो करना है, ना तुम्हारी ओपनिंग हो पाएगी 20 करोड़ की और ना ही तुम कर पाओगे 250 करोड़ का कलेक्शन। सो गाइज ये थी बड़ी अपडेट सिंघम। दोस्तों अभी भी भले ही बुक माई शो पे पीछे चल रहा हो, लेकिन सिंघम अगेन की हाइप सोशल मीडिया पे सबसे आगे है। सिंघम अगेन का रियल एंड ऑर्गेनिकली जो एक बज बना हुआ है, सुपर बना हुआ है, और जो बाकी लोग फेक कर रहे हैं, चाहे वो फेक कलेक्शंस करें, कॉर्पोरेट बुकिंग करें, फेक हाइप बनाए, एंड दोस्तों वो तो अब ट्रेलर देखने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2 ट्रेलर आने वाले हैं और किस में कितना है दम। दोस्तों ट्रेलर को देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी फिल्म बाजी मारेगी और कितना बॉक्स ऑफिस पर रोड करेगी, क्योंकि दोस्तों शोज एंड स्क्रीन के मामले में सिंघम ने अपने आप ही कब्जा कर लिया है। अब दोस्तों भूल भुलैया 3 के पास एक ही उम्मीद है, अच्छे ट्रेलर की, वो नहीं आया तो सॉरी कार्तिक आर्यन, फिर ये फिल्म आपके हाथ से निकल जाएगी एंड फ्रेंचाइजी भी निकल जाएगी। सो दोस्तों क्या कहना है, आर यू एक्साइटेड फॉर द ग्रैंड ट्रेलर? और ट्रेलर से पहले 1 तारीख को ये आ रहा है धमाका प्रमोशन पोस्टर। दोस्तों क्या आर यू एक्साइटेड? क्या लगता है दोस्तों कौन सी फिल्म पहले देखोगे, और क्या वाकई में अब आपको लगता है कि सिंघम अगेन जो ये फिल्म हल्के में ले रहे लोग, सिंघम अगेन जो है वर्ल्ड वाइड दोस्तों 700-800 करोड़ के पार जा पाएगी? डू यू एग्री दोस्तों? कमेंट करो, प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच अजय गुरु फैंस, आ जाओ, और भाई साहब फुल सपोर्ट टू सिंघम गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।